आज टिकट के लालच में जिस पार्टी ने उसको सब कुछ दिया था 40 सालों में, आज उस पार्टी को छोड़कर सत्ता और कुर्सी के लालच में वोट देने के लिए दूसरी पार्टी में जाकर खड़ा हो गया है ना। और आपकी ये बेटी, आपकी ये बहन सत्ता को छोड़कर भाजपा में जा सकती थी लेकिन नहीं गई। आपकी ये बेटी बहन सत्ता को छोड़कर आपके संघर्ष को चुना, उस कांग्रेस को चुना जो कांग्रेस शाहीनबाग की बहनों के साथ खड़ी है, जो कांग्रेस नागरिकता कानून NRC के खिलाफ खड़ी है। आपकी ये बेटी और बहन आज उसके साथ खड़ी है जो जामिया JNU या देश भर में जो नागरिकता कानून NRC के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आपकी ये बेटी, आपकी ये बहन उसके साथ खड़ी है। दो आवाजों में से एक आवाज को आपको चुनना है 8 फरवरी को, कि कौन सी आवाज आपको लगता है कि बेहतर है। इलाकों के कामों की बात करेंगे, इंदिरा गांधी ने काम किए, राजीव गांधी ने काम किए, मेरे से पहले वालों ने भी कर रही हूँ, मेरे बाद जो 20 साल बाद आएंगे भी करेंगे, लेकिन मसला इस मुल्क के मुद्दों का है। सोच तो ये रहे थे कि दिल्ली का चुनाव मुद्दों पर होगा, जहरीली होती हवाओं पर होगा, टेस्ट में फेल होते पीने के पानी पर होगा, मुकाबला और चुनाव महंगाई पर होगा और चुनाव बेरोजगारी के मुद्दे पर होगा। पर बहुत दुख से कहना पड़ रहा है, बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि पूरी दिल्ली के चुनाव को, पूरी दिल्ली के चुनाव में नफरत और जहरीले बयानों ने मुद्दों को कहीं पीछे छोड़ दिया। आज जहरीली हवाएं, पानी, बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा कोई मुद्दा नहीं है। आज मुद्दा पूरी तरह से, कोई कहता है शाहीनबाग में गोली उसने चलाई तो दूसरा कहता है जामिया में उसने गोली चलाई। दोनों की सरकारें हैं केंद्र में, दिल्ली जवाब दी थी, दिल्ली उस दिल्ली को जो बेहतर दिल्ली थी, जो शीला दीक्षित वाली दिल्ली थी, जो कांग्रेस वाली दिल्ली थी, पहचान बन गई थी ये दिल्ली, फ्लाईओवर वाली, मेट्रो वाली दिल्ली, हरी भरी खुशहाल दिल्ली, ये पहचान कांग्रेस और शीला दीक्षित ने दिल्ली को दी थी। लेकिन आज, आज क्या पहचान है इस दिल्ली की, आज क्या पहचान है? आज नफरत, हिंदू मुस्लिम, नागरिकता कानून, NRC एक दूसरे के ऊपर पिछले 6 सालों से दोनों ने आरोप लगाने के अलावा, लड़ने और धर्मों के अलावा कुछ नहीं किया। नशे के खिलाफ आए थे, मैंने नशे के खिलाफ, आपने मुझे वोट दिया, जिताया, विधायक बनी, विधानसभा में प्रश्न लगाया कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पिछले 5 सालों में कितने दारू और नशे के ठेके बंद करवाए हैं। जवाब मिलता है एक भी ठेका बंद तो नहीं करवाया, उल्टा 133 शराब और दारू के नए ठेके केजरीवाल सरकार ने खोल के रख दिए। वायदा तो ये था ना मेरा केजरीवाल सरकार के दम पर कि नशा मुक्त करेंगे, युवाओं के हाथ से नशा छुड़वा कर उनके दो हाथों को रोजगार देंगे। लेकिन जब मेरी ही सरकार, मेरा ही मुख्यमंत्री सिर्फ पैसे की तरफ देखने लग जाता है और नशे और दारू की 133 दुकानें खुलवा देता है 5 साल में, कैसे ये बेटी, कैसी ये बहन उनके साथ खड़ी रह सकती है? आज मैं आपको साफ कह रही हूँ, लोग कहते थे कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी भाजपा की बी टीम है। 5 साल काम किया मैंने ही नहीं, लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री के पोते द्वारका से केजरीवाल तुम्हारे विधायक थे, 1 करोड़ की नौकरी छोड़कर आए थे लाल बहादुर शास्त्री के पोते, तुम्हारे विधायक थे केजरीवाल, 20 में क्यों टिकट काट दी? चलो काटी तो काटी, अरे दी किसको केजरीवाल तुमने?
आरोप लग रहे हैं। पैसा देकर जो जो 15 में केजरीवाल ने जिन जिन को भ्रष्ट बताया था, आवाम ने 15 में हराया था, घर में बिठा दिया था, आज 20 में पैसा लेकर उसको केजरीवाल ने टिकट देने का काम किया है। वरना जनता समझना चाहती है, जो 15 में भ्रष्ट था वो 20 में ईमानदार कैसे हो गया? जो हारा था उसको टिकट दे रहे हैं और जो जीते थे उनकी टिकट लाल बहादुर शास्त्री का पोता, गांधी का पोता, भगत सिंह का पोता, इन सब की टिकटें काटते हैं और पैसे के लिए समझौता करते हैं। मैं आपसे एक बात कहने आई हूँ, आज मुल्क बचेगा, नागरिकता बचेगी, इस देश की जमीन मिट्टी पर हक अधिकार बचेगा, तब आप मुफ्त 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 ये जो आंखों पर मोटी चादर चढ़ा दी है, हमारा ईमान खरीदने की कोशिश की जा रही है। एक केंद्र की भाजपा सरकार है, उनकी जवाबदेही थी कि देश में महंगाई क्यों है, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, माँ बहन बेटियां सुरक्षित क्यों है, मोदी के पास, उस देश के तानाशाह के पास जवाब देने को नहीं था, इसलिए नागरिकता कानून और एनआरसी का जहर जहर उगलना शुरू कर दिया, ताकि अपनी जवाबदेहियों से केंद्र की भाजपा सरकार बच सके। वही काम दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने किया। आज अपनी जवाबदेही से बचने के लिए मात्र चुनावों से पहले, अरे 200 यूनिट बिजली फ्री करनी थी तो 15 में क्यों नहीं कर दी, पूरे 5 साल करते और वोट मांगते समा जाता, लेकिन मुफ्त 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 का लालच चुनावों से मात्र 2-3 महीने पहले। ये बहकावे में मत आइएगा, मार्च में दिल्ली सरकार बजट पेश करेगी। मुफ्त के लालच जो चुनावों से पहले दिए जा रहे हैं, 600 करोड़, जी हाँ, प्रियंका गांधी जी ने भी अपनी जनसभाओं में सबूत रखे हैं कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने मुफ्त की घोषणाएं करके उन घोषणाओं के विज्ञापनों पर 600 करोड़ रुपया खर्च किया है। सिर्फ आपको झूठ 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 बोलेंगे, 50 बार बोलेंगे, तभी तो आपको एक झूठ सच लगने लग जाएगा। अखबार का पहला पन्ना 65 लाख रुपए में, अखबार का पहले पन्ने पर विज्ञापन छपता, वो पैसा किसका है? आज पेंशन नहीं आती, लेकिन 600 करोड़ का विज्ञापनों पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार लुटा देती है। मैं आप सभी से अपील करने आई हूँ, दिल्ली विधानसभा में आपको 2 आवाजों में से एक बेचना है। एक वो है जो 70 साल का है, चला नहीं जाता, और उन नेताओं से सत्ता और कुर्सी का लालच बुढ़ापे में भी छूटता नहीं, वो कुर्सी को चिपके रहना चाहते हैं। ये फैसला आपको करना है, जो लालच में जिस पार्टी ने उसको 40 साल यहाँ से नेता बनाकर रखा, उसी पार्टी को हराने के लिए वो आज केजरीवाल की पार्टी में जाकर वोट काट रहा है, चला नहीं जा रहा उससे, सिर्फ वोट काटने के लिए। आज आपको देखना है कैसा विधायक चाहिए, जो युवा हो, पढ़ा लिखा हो, ईमानदार हो, आपकी आवाज को विधानसभा में उठा सके। आज आपको मैं सभी से निवेदन करती हूँ, ये जाम भी इन इलाकों की सबसे बड़ी समस्या है, मैं आपसे वायदा करती हूँ पूरी कोशिश करेंगे, और एक तरफ का ट्रैफिक निकाल दीजिए, हॉस्पिटल यहाँ पर आता है, सबको पता है ये घनी आबादी, मार्केट के अंदर ये हॉस्पिटल है, बहुत बार इन भारी जाम की वजह से लोग फंसते हैं और एम्बुलेंस भी फंसती है, क्योंकि ये अस्पताल बिल्कुल बाजार के बीचों बीच में है, दोनों तरफ मार्केट है, बाजार है, लोग आते जाते रहते हैं, इसलिए आपसे कहूंगी ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगी, पूरी कोशिश करिए इस एम्बुलेंस को यहाँ से निकलने की हम सब मदद कर सके। ये भारी जाम, चाहे जामा मस्जिद का 1 नंबर गेट हो, चाहे चितली कबर चौराहा हो, चाहे सैयद अहमद रोड का ये तेराया हो, ये भारी जाम
ये भारी जाम आज एक समस्या बन चुके हैं। हमें तो यहाँ तक लगता है हमें वहां पर निकाल दीजिए एम्बुलेंस को, दो मिनट यहाँ रोक दीजिए, निकल गई, निकाल दीजिए एम्बुलेंस को। मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करती हूँ, आपने बहुत जिम्मेदारी के साथ, एम्बुलेंस खाली है, एम्बुलेंस खाली जा रही है, एम्बुलेंस पे कोई पेशेंट नहीं है, किसी कस्टमी में मत रहिएगा, एम्बुलेंस खाली है, कोई पेशेंट नहीं है, कोई किसी जगह की इमरजेंसी नहीं है। कुछ लोग जानकर जानकर इस आवाज को दबाना चाहते हैं। ये आवाज न देश का तानाशाह मोदी दबा पाया है, न कोई चमचा दबा पाएगा, पैसे और नोट के दम पर, पैसे और नोट के दम पर आपकी बेटी बहन की आवाज कोई दबा नहीं सकेगा। जानकर 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 खाली एम्बुलेंस, खाली एम्बुलेंस, पेशेंट नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन ये साजिश थी जिसे बेनकाब आपने किया है, ये हमारे विरोधियों की साजिश थी बदनाम करने की। ये दिखाना चाहते थे कि अलकलामत जनसभा के कारण कारण एम्बुलेंस पहुंची, एम्बुलेंस में कुछ नहीं था, झूठा सायरन बजाया जा रहा था। और यहाँ पर आपको ये दिखाने की कोशिश थी कि अलका लामा की वजह से एक एम्बुलेंस फंसी रह गई, अलका लामा की वजह से एक पेशेंट फंसा रह गया। अरे लानत है तुम पर, अरे लानत है मोदी तुम पर और तुम्हारे यहाँ पर झूठे झूठे लोगों पर, तो इस बेटी इस धर्म की आवाज पर दबाने के लिए साजिशें करते हो। अरे लानत है तुम पर, ये बेटी ये बहन देश के तानाशाह के मेरी तरी इस मुल्क को गुमराह करके, इस बेटी के खिलाफ खड़ा करके क्या हासिल कर लोगे? ये बेटी, ये आपकी बेटी जो शाहीनबाग की बहनों के साथ खड़ी है, ये आपकी बेटी जामिया के बच्चों के साथ खड़ी है, ये आपकी बेटी जामिया के साथ जेएनयू के उन बच्चों के साथ खड़ी है जो नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ खड़े हुए हैं। इसी तरह बेनकाब करते रहिएगा। भाइयों को दूर खड़े समझ नहीं आया होगा, लग रहा होगा अलका लामा की सभा की वजह से एम्बुलेंस फंस गई, कोई पेशेंट फंस गया, साजिश थी, खाली गाड़ी को सायरन बजाकर दो चार लोग यहाँ पर इस मीटिंग को या मेरी आवाज को दबाने आए थे। शुक्रिया करती हूँ आपका, क्योंकि आप भी जानकर एक जिम्मेदार नेता है, एक संघर्ष करने वाली नेता है। 25 साल मुझे हिंदुस्तान की राजनीति में हो गए, कभी समझौते नहीं किए हैं, कभी अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया है। 25 सालों से लड़ रही है ये आपकी बेटी, आगे भी आपकी ताकत आपके दम पर लड़ेगी। मैं अलका लामा आपको यकीन दिलाती, अभी जामा मस्जिद 1 नंबर गेट पर चले जाइएगा, अलका लामा सभा नहीं कर रही फिर भी घंटों सुबह शाम वहां जाम रहता है, इसलिए इस जाम का दोषी हमारे विरोधी अगर अलका लामा को बताते हैं झूठी की एम्बुलेंस, खाली एम्बुलेंस यहाँ से चलाते हैं, तो समझ जाइए हमारे विरोधी अब साजिशों पे उतर आए हैं, थर थर कांपने लग गए हैं, क्योंकि ये बेटी की आवाज अब दबने वाली नहीं है। फक्र महसूस करेंगे जब आपकी ये बेटी आपकी बहन विधायक बनकर एक बार फिर से विधानसभा पहुंचेगी, महंगाई के साथ, बेरोजगारी के मुद्दे के साथ, महिला सुरक्षा के साथ, इन भारी जाम से निजात दिलाने के लिए कि भगवान ना करे कभी इन इलाकों में इमरजेंसी की जरूरत पड़े तो ऐसी सुविधाएं करे कि लोगों की जान का कभी कोई नुकसान ना हो। क्योंकि मैं मालूम है ये अस्पताल भी बीचों बीच बाजारों में, इनका अप्रूवल नहीं मिलना चाहिए था, यानी आबादी के बीच में छोटी मोटी डिस्पेंसरी समझ आती है, उसकी इजाजत मिलती है, छोटी मोटी डिस्पेंसरी, किसी डॉक्टर की दुकान समझ आती है, लेकिन पैसा लेकर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को, बड़े बड़े बिल्डरों को नक्शे पास कर दिए जाते हैं ये सोचे समझे बिना कि कौन सी जगह कहाँ है।
आज अस्पताल घनी आबादी बाजारों में बनाए जा रहे हैं, कल फायर ब्रिगेड के ऑफिस भी इन घनी आबादियों में बना दीजिएगा कि हमारी गाड़ियां आग बुझाने वाली भी फंसी रहे। ये सब एक प्लानिंग के तहत होना चाहिए कि कहाँ गली हो, कहाँ बाजार हो, कहाँ अस्पताल हो, कहाँ स्कूल हो, लेकिन बिना प्लानिंग के सिर्फ पैसे के दम पर भ्रष्टाचार का बोलबाला। मैं ये कहना चाहती हूँ, अगला चुनाव 2025 में अब आएगा। 8 फरवरी को आप सभी वोट करने जाएंगे। अगला चुनाव 2025, जो गरीब आदमी महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रहा है, उसके लिए ये 5 साल 500 सालों के बराबर लगने लग जाते, क्योंकि बेरोजगारी और महंगाई उनका जीना दुश्वार करती है। इसलिए गलत नेता चुनेंगे, गलत विधायक चुनेंगे, तो अगले 2025 तक आपको परेशान होना पड़ेगा। इसलिए कहती हूँ, अपनी माँ बहन बेटियां, दिल्ली और देश का माहौल हमारी बहन बेटियों के लायक नहीं रहा है। आज हमारी बहन बेटियां अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करती हैं। मैं अकेली महिला उम्मीदवार हूँ और मैं यकीन दिलाती हूँ, आपकी ये बेटी, आपकी ये बहन जीत कर आएगी, विधायक बनेगी, तो आपको भी घर में बैठी अपनी बहन बेटियों की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। ये आपकी बेटी, ये आपकी बहन अपनी उस आधी आबादी को भी हिम्मत और ताकत देते हुए विकास में अपने साथ आगे लेकर जाएगी। आज मेरा प्रतिद्वंदी 12वीं फेल, आज बच्चे नेताओं की तरफ देखते हैं। मैं जब छोटी थी कहती थी बड़ी होकर इंदिरा गांधी बनूंगी, आज बच्चे हमारी तरफ देखते हैं। मैं हर माँ बाप को कहूँ, कैसा नेता अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए चुनना चाहते हैं, जो पढ़ा लिखा हो, ईमानदार हो, संघर्ष कर सके 2025 नहीं 2030 2035 तक यहाँ से दिल्ली तक आगे ले जा सके। अपने बच्चों की तरफ देखिएगा, हमारी बहन बेटियों की आधी आबादी की तरफ देखिएगा, बेरोजगारी की तरफ देखिएगा, महंगाई की तरफ देखिएगा। आपकी ये बेटी लांबा का संघर्ष यहाँ खत्म नहीं होता, यहाँ से मेरी एक नई लड़ाई शुरू होती है जो दिल्ली तक आगे अब जाने वाली है। मैं आपसे सिर्फ हाथ जोड़ कर ये कहूंगा, 8 फरवरी 8 फरवरी कांग्रेस हाथ का निशान 1 नंबर बटन पर आपकी ये बेटी खड़ी है। 2015 में आपने ये जीत का सिलसिला शुरू किया था, उम्मीद करती हूँ ये जीत का सिलसिला 2030 में भी यूं ही जारी लाती हूँ। आपको निराश नहीं होने दी, निराश नहीं होने दी। आपकी आवाज बनकर सबसे पहला काम, मैं जब विधायक थी सर सैयद अहमद रोड के लिए विधायक निधि से पैसा दिया, वर्क ऑर्डर हो गया, टेंडर हो गए, बस गली का काम शुरू होना था, नगर निगम ने चुनावों को देखते हुए उसे रुकवा दिया। अगर काम हो जाता तो अलका लांबा बहन बेटी को पता नहीं कितने वोटों से आप जिताते, लेकिन आज उस काम को जानकर रुकवाया गया। लेकिन पैसा मैंने विधायक थी दे दिया था। आपको यकीन दिला रही हूँ, ये फरवरी का महीना है, 8 फरवरी को वोट पड़ेगा, 11 को रिजल्ट परिणाम आ जाएंगे, और आपको यकीन दिलाती हूँ मार्च से पहले पहले ये सर सैयद अहमद रोड पूरी तरह से नई बनाकर आपको समर्पित कर दूंगी, आपको सौंप दूंगी। इतना ही नहीं, यहाँ के और भी विकास कार्यों को आपकी बेटी और बहन को आगे लेकर जाना है। आपको विश्वास दिलाती हूँ, यहाँ के उम्मीदवारों को देखिएगा और 8 फरवरी कांग्रेस 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 हाथ का निशान, मेरा संघर्ष, मेरा चुनाव, आज प्रचार यहाँ खत्म होता है। अब फैसला आपके हाथ छोड़कर जा रही हूँ। 8 फरवरी को वोट करिएगा, 11 को मेरी भी नजर, पूरी दिल्ली की नजर,
खास तौर से संघ भाजपा के लोगों की नजर रहेगी, वो देखना चाहते हैं। ये बेटी बड़ा कह रही थी कि शाहीनबाग की बहनों की आवाज बनकर विधानसभा गूंजेगी, अगर चूक हुई तो सबसे ज्यादा खुशी संघी भाजपाइयों को होगी। बड़ी आई थी शाहीनबाग की बहनों की आवाज नागरिकता एनआरसी के खिलाफ आवाज उठाने, फैसला आप पे छोड़कर जा रही हूँ। 8 फरवरी कांग्रेस हाथ के निशान पर आपकी ये बेटी, आपकी ये बहन जो 2015 में जिताया था, बहुत बहुत